शीला को क्या हो गया? अभी तक उठी नहीं? अरे मिसेस मालती आप? हाँ मैं ही, मगर लगता है कि मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। घबराओ मत, मैं ज्यादा कुछ मांगने नहीं आई हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, घर तो आप ही का है, लेकिन इतने सुबह सुबह आप क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं मैम, यू आर सो स्वीट मैम। मुझे ना थोड़ी शक्कर चाहिए थी। ओ शक्कर चाहिए थी, एक मिनट अभी आई। ये लो मैम, और कुछ चाहिए? नहीं और कुछ नहीं चाहिए, किराया मैं महीने के आखिर में लूंगी। हाँ। तुमने शीला को देखा? मैं कैसे देखूंगी, मैं तो अभी सो के उठी हूँ। मैं चलती हूँ। शीला तो रोज सबसे पहले उठ जाती है, फिर आज क्या हुआ, कहीं बीमार तो नहीं? अरे दरवाजा भी खुला है। शीला, 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 सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, अच्छी तरह से। सर ये देखिए बैंड्स। बैंड्स? ऐसे बैंड्स तो नए नोट के बंडल में लगे होते हैं। हाँ सर, नए नोट थे। इसका मतलब है हम बैंक से पता कर सकते हैं कि किस सीरियल नंबर के नोट्स थे। हाँ सर, इसका मतलब ये खून पैसे के लिए हुआ है। सर दरवाजा भी ठीक ठाक है, जबरदस्ती अंदर आने का कोई निशान नहीं है, दरवाजा तोड़ के कोई नहीं आया। सर हो सकता है शीला उस खूनी को जानती हो और इसीलिए उसने उसे अंदर आने से मना नहीं किया होगा। हाँ सर ये हो सकता है। और अगर शीला का खूनी मेन डोर से अंदर आया है तो बिल्डिंग के वॉचमैन ने उसे अंदर आते हुए जरूर देखा होगा सर। हाँ और अगर वॉचमैन ने उन सब लोगों के नाम रजिस्टर में लिखे हों तो और भी अच्छा है। अरे वॉचमैन सुनो। जी साहब। कल रात यहाँ ड्यूटी पर कौन था? साहब मैं ही था। अच्छा, इस बिल्डिंग में जो शीला मैडम रहती है उन्हें जानते हो? हाँ जानता हूँ ना। तो कल रात उन्हें कौन कौन मिलने आया था कुछ बता सकते हो? कल रात साहब एक मिनट। एक दो साहब कल रात उनसे मिलने तीन लोग आए थे। कौन कौन थे देखो जरा।
साहब, सबसे पहले मनीष साहब आए थे 7:30 बजे, उसके बाद 8:15 पर प्रहलाद साहब आए थे, और उसके बाद 10 बजे ललित साहब आए थे सर। मतलब ललित आखिरी आदमी था जो शीला से मिलने आया था। जी साहब, उसके बाद उनसे मिलने कोई नहीं आया। पर एक बात और है साहब, ललित साहब एकदम से चले गए 5 मिनट में ही। 5 मिनट में ही चले गए? जी साहब, वो जाते वक्त तो ठीक लग रहे थे, लेकिन वापस आते वक्त पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, वो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं साहब, बस जल्दी से चले गए। सर, इस मनीष और प्रहलाद को बाद में पकड़ते हैं, पहले इस ललित से मिलते हैं। हाँ। तुम एक काम करो, ध्यान से सोच सोच के बताओ ये तीनों दिखते कैसे थे, तीनों का स्केच बनवाओ, समझे? आज तक हमारे बिल्डिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं, अति तो क्या वो चुप बैठते। सर, एक बार फिर से घर ध्यान से देखते हैं, शायद कुछ छूट गया हो। ठीक है। गिफ्ट बॉक्स सर। हाँ प्रेडिक्स, ये गिफ्ट बॉक्स मिला है। पहले नहीं दिखा ये? सर पता नहीं कैसे नहीं दिखा। With lots of love, ललित। इसका मतलब है ललित का इस शीला से कोई अफेयर चल रहा था। देखो जरा खोल के देखो क्या है अंदर। यस सर। काफी महंगा परफ्यूम लगता है। खरीदा कहां से गया है? कोई नाम है क्या? यस सर, सागर। सागर, जल्दी से जाके पूछो इस शॉप में। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हमें आपसे कुछ पूछना है, हम लोग सीआईडी से हैं। जी पूछिए, क्या पूछना है? जरा इस आदमी को देखिए, आपने इसे यहाँ देखा है क्या? ये कल आया था क्या आपके पास कुछ खरीदने के लिए? शकल तो बड़ी अजीब सी लग रही है, पर लगता है इसे पहले कहीं देखा है। यही देखा है, इसी दुकान में। इसने शायद यहाँ से ये परफ्यूम खरीदा होगा। हाँ, ये परफ्यूम तो हमारे यहाँ की है, पर हाँ याद आया साहब, उस आदमी ने ये परफ्यूम खरीदने के बाद उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। तो क्या उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया? फिर तो मजा आ गया। आप जरा इसका क्रेडिट कार्ड नंबर दीजिए हमें। जी, अभी सब नाम और पता पता चल जाएगा। ललित जी, हम लोग सीआईडी से। तुमने शीला का नाम सुना है? शीला? हाँ शीला। सर आप प्लीज अंदर आइए। सर दरअसल बात यह है कि वो। ललित, इधर उधर की बात करना बंद करो। ये बताओ, कल रात तुम शीला से मिलने गए थे कि नहीं? सर वो बात यह है कि। गया था या नहीं? हाँ सर, गया था। कब? कल रात में। क्या हुआ था वहां? शीला, दरवाजा खुला छोड़ के कहां चली गई? शीला, शीला, इसका मतलब तुमने शीला का खून नहीं किया है? नहीं। अगर तुमने उसका खून नहीं किया तो फिर वहां से भाग के छुप क्यों गए? मैं डर गया था। कुछ किया होगा तुमने, तभी तो डर गए थे।
सच है दादा, हुआ क्या? मैं क्यों मारूंगा उसे? उससे प्यार करता था, I loved her. प्यार करते थे? हैं? हम दोनों की मुलाकात एक इंटरनेट पे हुई थी, फिर हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे. धीरे धीरे मैं शीला से प्यार करने लगा था, और फिर अचानक एक दिन क्या हुआ क्या अचानक? अचानक 6 महीने पहले उसने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया. वो क्यों? पता नहीं क्यों. इसी बात का तो पता लगाने मैं उसके घर गया था कल रात को, और फाइनली मैंने मार दिया उसे. नहीं सर, वहां पर लाश पड़ी हुई थी पहले से ही. शायद ये लड़की हमें खूनी तक पहुंचा सकती है. चले हुए कागज. अब देखते हैं इस राख में क्या मिलता है. जब और कहीं सबूत नहीं मिलता तो ये राख ही काम आती है. पेपर जलाया सर, इसका मतलब ही है इस पेपर में कुछ तो जरूर होगा. हाँ, लेकिन अभिजीत, एक पेपर नहीं जलाया गया है, बहुत पेपर जलाए हैं. ये राख कम नहीं है, ज्यादा है. जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे रात के ढेर में. शोला है न चिंगारी. राख में शोले भी हैं और चिंगारी भी. अब देखते हैं शोले में अभी भी आग है क्या. इन केस अनटाइमली डेथ 6 months, अगर अचानक मौत 6 महीने. अचानक मौत 6 महीने. इस पेपर पे मौत लिखा है. सिर्फ लिखा हुआ नहीं है दया, छपा हुआ है. छपा हुआ है और मौत के बारे में छपा हुआ है, और वो भी अचानक मौत. जिस पेपर पे अचानक मौत छपा हुआ है उसे जलाया गया है. क्या क्या हो सकता है ये पेपर अभिजीत? सर, मौत के बारे में लिखा है तो इंश्योरेंस का पेपर ही होगा सर. हाँ, इंश्योरेंस ही है. मतलब किसी की मौत हुई है और मौत को छुपाने के लिए इंश्योरेंस पेपर जला दिया गया. न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी. लेकिन बांसुरी तो बजी है दया, इसीलिए शीला का खून हुआ है. सर, ये जो फोटो है ये शीला की सहेली लगती है, काफी सारी फोटोज में. अगर ये लड़की मिल जाए तो शायद कुछ पता चल सकता है. पहले ये लड़की मिलनी भी तो चाहिए सर. करेक्ट, अगर लड़की नहीं मिलेगी तो बताएगा कौन? एक काम करो, सारे इंश्योरेंस कंपनीज में जाकर पता करो कि शीला का इंश्योरेंस हुआ है क्या, साथ में उसका फोटो ले चलो.
इसका नाम शीला है, इसका इंश्योरेंस हुआ है। सर सिर्फ फोटो देख के पता लगाना मुश्किल है। देखिए फोटो भी है और नाम भी है ना शीला। फोटो तो लगाते हैं ना आप लोग, बिना फोटो के तो इंश्योरेंस नहीं होता क्यों? जी ये बात तो है सर, हर फॉर्म पे फोटो लगाते हैं, पर क्या? अब देर मत कीजिए, जल्दी से ढूंढ के बताइए इस लड़की का बीमा इस कंपनी में हुआ है या नहीं। सर जल्दी नहीं हो सकता सर। क्यों क्यों नहीं हो सकता? सर इंडिया में एक शीला थोड़ी है। ये वाली शीला मर चुकी है, समझे आप? मर चुकी है? जी हाँ। अरे ये क्या क्या हुआ? यही है। तुम्हारा नाम प्रहलाद है? हाँ। ये क्या? ये तो मेरी फोटो है। आप कहाँ से लाए इसे? एक लड़की की मौत हो गई है। फिर? गोली मारी है उसे किसी ने। तो? शीला नाम है उसका। ये। इसके घर गए थे ना तुम? ये कौन है? मैं इसे जानता तक नहीं। ये स्केच बिल्डिंग के वॉचमैन ने बनवाया है, समझे? अरे कमाल, आप मुझे क्यों फंसा रहे? अरे यार कौन है, इन्हें बाहर लेके जाओ प्लीज। प्रहलाद जी ये लोग सीआईडी से आए हैं। सर आप मुझे क्यों फंसा रहे? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे काम करने दीजिए, आप जाइए। शीला का खून क्यों किया तुमने? अरे कौन शीला, कैसी शीला? ये वाली शीला। शीला के घर गए थे? हाँ गया था। क्या हुआ था वहां पे? जब मैं उसके घर गया तो उसका दरवाजा पहले से खुला हुआ था। दरवाजा खुला था? हाँ सर। फिर मैंने अंदर जाके देखा तो वो कमरे में नहीं थी। फिर मैंने अंदर दूसरे कमरे में जाकर देखा तो शीला किला जमीन पर पड़ी हुई थी। सर शीला मर चुकी थी? हाँ सर वो मर चुकी थी, मैं सच बोल रहा हूँ सर। क्यों गए, क्यों थे उसके घर में तुम? सर है? सर उसे बात करने गया था। क्या बात करने गए थे? शीला की सहेली रीटा का इंश्योरेंस हमने करवाया था। तो फिर? रीटा की मौत हो गई सर। शीला की सहेली की मौत हो गई? सर रीटा की मौत पानी में डूबने से हुई, वो एक लेक में गिर गई थी। रीटा की मौत के बाद उसके इंश्योरेंस के पैसे किसको मिले? शीला को। तो ये चक्कर है। लेकिन तुम उसके घर गए क्यों थे, क्या बात करने गए थे? सर जब शीला को पैसे मिल गए तो अचानक दीपक ने कहा कि रीटा की मौत नहीं हुई, रीटा का खून हुआ, शीला ने किया उसका खून। शीला ने खून? और ये दीपक कौन है? सर दीपक ही तो है गवाह, आई विटनेस। पहले कहता था कि मैंने रीटा को डूबते हुए देखा, अब कह रहा है कि उसका खून हुआ। सर हम तो बुरे फंस गए, मेरी तो नौकरी खतरे में हो गई है सर। कंपनी कहती है कि पैसे लेकर, सर अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तो शीला का भी मौत हो गई है। तुम जरा इस दीपक का एड्रेस देना अभी। सर अचानक इस दीपक को क्या हुआ जो उसने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया? हमारे पास एक ही गवाह है और वो अब कह रहा है कि ये मौत नेचुरल नहीं बल्कि ये एक मर्डर है, खून। सर लेकिन एक मौत को मर्डर बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और दीपक शायद ये नहीं जानता कि ये सब बोलकर वो खुद भी फंस जाएगा। उसे जरूर मालूम होगा, अब मालूम होते हुए भी ये सब कर रहा है। उसे तो प्रहलाद और इंश्योरेंस एजेंसी दोनों को फंसा के रखा। ये तो अच्छा हुआ कि हमें वो राख मिल गई, और उस राख में वो कागज का टुकड़ा जिस पर मौत लिखा हुआ था। अगर वो कागज का टुकड़ा नहीं मिलता तो ना तो हम उस इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच पाते और ना हमें पता चलता कि शीला की सहेली रीटा का भी खून हुआ है। सर हो ना हो शीला की मौत इंश्योरेंस के पैसों की वजह से ही हुई है। हाँ सर लेकिन किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी, और प्रहलाद कह रहा था जब वो वहाँ पहुंचा शीला मर चुकी थी, ललित ने भी शीला को मरे हुए देखा था। देखते हैं अब दीपक क्या बोलता है। कौन है आप लोग, किससे मिलना है? मिस्टर दीपक से, उनसे कुछ बात करनी है। मैं ही दीपक हूँ, बोलिए क्या बात करनी है आपको? आप दीपक हैं? हाँ। मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मैंने भी कहीं देखा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं क्या? नहीं कभी नहीं। सर मिस्टर दीपक आप
शीला नाम की किसी लड़की को जानती है? नहीं, कौन है ये? मनीष, मनीष को जानते हैं? मनीष, ये कौन है और आप लोग कौन है? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। तो मनीष हो या दीपक हो? व्हाट नॉनसेंस, मैं दीपक हूँ। झूठ। मैं मनीष के नाम से शीला से मिलने गया था। हाँ? शीला का खून क्यों किया? मैंने शीला का खून नहीं किया। सच सच बताओ, क्या हुआ कल रात को? बताता हूँ कल रात। दीपक, तुम यहाँ क्यों आए हो? शीला, मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम मुझे कभी फोन मत करना प्लीज, और मैं भी तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा। क्या बात है दीपक, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ सीता के केस से। बार बार वो कोर्ट के चक्कर, तारीखें, सुनवाई, तंग आ चुका हूँ इन सबसे। मैं तुम्हारे लिए आई विटनेस बना, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया, केस खत्म। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, प्लीज। ठीक है दीपक, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा। आइंदा से मैं तुम्हें कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगी। ओके? तुम्हारे कहने का मतलब है जब तुम शीला के घर गए तो शीला जिंदा थी? जी सर, जिंदा थी। तो फिर किसने मारा उसे? मालूम नहीं सर। तुमने रीटा को डूबते हुए देखा? जी सर, और उस दिन के बाद आज तक मैं सो नहीं पाया हूं सर। हमेशा की तरह मैं लेक पर फिशिंग करने गया था। रीटा, कोई बचाओ, मेरी फ्रेंड डूब रही है, प्लीज हेल्प, कोई बचाओ, रीटा। माय गॉड, ये लड़की तो डूब रही है। रीटा, रीटा। ठीक से याद करो, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? रीटा डूब कर ही मरी है ना? जी सर। दीपक, तुमने प्रहलाद से ये क्यों कहा कि रीटा का खून हुआ है? मैंने कहा? हाँ। प्रहलाद और ललित का कहना है कि कल रात जब वो शीला के घर में घुसे तो उन्होंने शीला की लाश देखी। इसका मतलब यह है कि उन दोनों से पहले जो भी कोई उस घर में गया था उसने शीला का खून किया, और कल रात उन दोनों से पहले शीला के घर में कौन गया था? मिस्टर दीपक, तुम गए थे। नहीं सर, ये झूठ है। दीपक, तुमने प्रहलाद से ये क्यों कहा कि रीटा का खून हुआ है? मैं कैसे कह सकता हूँ सर? दीपक, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शीला का खून किसने किया? जितना मैं जानता था उतना बता चुका हूँ आपको। मैं सब बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। शीला को इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए मिलने वाले थे, उसमें से मैं चाहता था कि 25 लाख रुपए मुझे मिल जाए। मैंने शीला को धमकी दी थी कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं कोर्ट में यह बयान दे दूंगा कि रीटा मरी नहीं है, उसका खून हुआ है। और जैसे ही शीला ने तुम्हारी बात नहीं मानी तुमने उसका खून कर दिया? नहीं सर, ये झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मैं तो उसे धमकी देकर आ गया था, शीला जिंदा थी सर, जिंदा थी। सर, ये शीला और रीटा दोनों के बारे में काफी कुछ पता चल गया सर। सर, ये दोनों लड़कियां छोटे शहर में पली बड़ी हुई हैं, लेकिन बाद में न्यू बॉम्बे में शिफ्ट हो गई थी। उस समय इनकी हालत अच्छी नहीं थी, पैसे वैसे नहीं थे इनके पास। वहां ये दोनों एक कॉल सेंटर में काम करने लगी। तब तो पैसे भी आए होंगे। हाँ सर, पर लगता है शीला ये सोचने लगी कि इस तरह से दिन रात काम करके कुछ होने वाला नहीं है, और तब उसने वो भयानक प्लान बनाया रीटा को मारने का। सर, विश्वास नहीं होता कि एक लड़की ऐसा कर सकती। पैसों के लिए उसने अपनी सहेली का ही खून कर दिया। पर अभिजीत, हम ये कैसे कह सकते हैं कि शीला ने ये खून किया? देखो, पानी में डूब के मरी है रीटा, उसे तैरना नहीं आता था। तैरना नहीं आता था तो फिर वो वहां लेक के अंदर गई क्यों?
इसका मतलब उसे तैरना आता था? नहीं दया, रीटा को तैरना नहीं आता था। ये फोटो देखो, देखो इसमें शीला कैसे रीटा को पानी में धक्का देने की कोशिश कर रही है, लेकिन रीटा उसे मना कर रही है, डरी हुई है वो, देखो। सर, उसने जानबूझकर अपनी बातों में रीटा को फंसाया। दोनों मच्छी मारने के लिए लेक में गए और जैसे ही रीटा का ध्यान कहीं और था, शीला ने रीटा को पानी में धक्का दे दिया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा सर कि ये दीपक वहां पे जानबूझकर नहीं गया था। इसका हाथ है सर, इस खून में दीपक का हाथ है। हाँ विवेक, कहाँ हो तुम? मैं दीपक को फॉलो करते करते एक बंगलो के पास आई हूँ। दीपक अभी बाइक से उतरकर अंदर गया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उसी बंगलो के बाहर खड़ा हूँ। व्हाट? इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों मिलकर गेम खेल रहे हैं। एसीपी सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। विवेक जल्दी देखो कौन है। ललित, ललित भी प्रहलाद के साथ मिला हुआ है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे को जानते और हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हैं। क्या करें? दिव्याना, तुम वहीं पे रुको, मैं अभी अंदर देख के आता हूँ। नहीं विवेक, एसीपी सर के ऑर्डर के बिना हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। विवेक सुनो, मैं दीपक को फॉलो करती हूँ, तुम जल्दी से एसीपी सर को इन्फॉर्म कर दो। जल्दी करो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप जल्दी प्रहलाद के घर आ जाइए। किसने किया? दीपक, ललित। दीपक और ललित? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। यस सर। संभल के, संभल के। सर, दीपक और ललित दोनों यहाँ बारी बारी से आए सर, और कुछ ही देर बाद दोनों एक एक करके यहाँ से भाग गए सर। दीपक, ललित और प्रहलाद तीनों एक दूसरे को जानते थे सर। ये फ्रेडरिक्स और दिव्याना कहाँ हैं? सर, वो दीपक और ललित के पीछे गए सर। फोन करके कहो कि दीपक और ललित को ब्यूरो में लेकर आए। जी सर। नो। दीपक और ललित, अब ये केस तुम दोनों सॉल्व करोगे। सर, सर मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मैंने शीला को नहीं मारा है सर। पहले से ही तुम पर विश्वास करके गलती की मैंने। सर लेकिन हमने किया क्या सर? सर शीला तो पहले से ही मरी हुई थी। बार बार शीला का नाम मत लेना, समझे? बताओ क्यों मारा प्रहलाद को? सर, सर मुझ पर तो पहले ही शक है कि मैंने शीला की। फिर शीला का नाम क्यों गए थे तुम उसके घर?
क्यों कहते हैं? सर, सर मैं क्यों मारूंगा प्रहलाद को? सर मुझे किसी ने फोन करके प्रहलाद के घर का एड्रेस दिया और कहा कि अगर शीला के कातिल को पकड़ना चाहते हो तो फौरन इस पते पर आ जाओ। अब सर मुझे क्या पता था कि ये प्रहलाद वहां लेटा हुआ होगा और शीला के घर क्या तो देखा, वो भी लेटी पड़ी थी। हाँ सर, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फोन आया था। अभिजीत, दया, इन दोनों के फोन चेक करो, देखो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अपना फोन देना जरा। फोन। सर दोनों नंबर अलग अलग है मगर दोनों फोन एक ही एरिया से आए सर, अंधेरी से। देखा, फंस गए ना। अब बताओ क्यों मारा प्रहलाद को? मेरा यकीन कीजिए, मैं जब प्रहलाद के घर गया तो मैंने देखा कि प्रहलाद पहले से ही जमीन में पड़ा हुआ था, अपना पेट पकड़ के। उसके हाथों में खून लगा हुआ था सर। हाँ सर, वो पहले से ही जख्मी था और उसे देखते ही मैं डर गया था। फिर झूठ, फिर झूठ। लगता तुम दोनों ऐसे सीधी तरह से नहीं मानोगे। दया, इन दोनों को इंटरोगेशन रूम में लेकर जाओ। सर चलो, चलो चलो, जल्दी चलो। सर, शीला को बैंक से नए नोट मिले थे, बैंक से उन नोटों के नंबर मिले सर। क्या साहब, नोट पे खून लगा है? खून? आप टैक्सी चला रहे हैं? वो ऐसे ही, पैसे की जरूरत थी तो सोचा। पर ये टैक्सी सर, कुछ पैसे हमें भी दे दो ना। पैसे? कौन से पैसे सर? वही जो शीला के घर से चुराए। वो सर, शीला ने अपने आप को गोली मार ली थी सर, प्लीज मुझे छोड़ दो सर। मैंने ही मारा था शीला को, मैंने ही किया था उसका खून। जब मैं उसके घर गया था। इतना अचानक क्यों गई? हाँ? अब नहीं, वो एक्चुअली तुम यूं अचानक चले आए बस इसलिए। तुम आजकल मिलते ही कहाँ? काम क्या है? काम क्या है? इंश्योरेंस के पैसे मिलने के बाद तो मुझे भूल ही गई, सारे पैसे खा गई। ये क्या है? याद है, पैसे हम दोनों के हैं, 50-50। अगर मैं फाइल पे ये लिख देता कि ये मौत नहीं खून है तो क्या होता? अरे तुम
तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तुमने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों उठाई? मैं खुद आ रही थी तुम्हारे घर पैसे लेके। अच्छा? I swear. तो ठीक है, पैसे लेकर आओ जल्दी। हाँ। वो मेरा खून करना चाहती थी और सारे पैसे अकेले खाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दी। अब क्या फायदा इन सब बातों का है? उसने एक खून किया पैसों के लिए, दूसरा खून तुमने किया पैसों के लिए। अब या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।